हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ टाइम फॉर एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टेक द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर आपको टेक करना है। ब्रूस वाज ए लिटिल डैश बियर, डेंजरस बेबी क्यूट। वो बेबी बियर था। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द केव पॉन्ड फॉरेस्ट केव। देयर वाज डैश एवरीवेयर बीज हनी वाटर वाटर। सडनली हिज आइज फेल ऑन समथिंग समथिंग डैश फ्रॉम ए बिग ट्री। स्विंगिंग फॉलिंग हैंगिंग, इट्स हैंगिंग। इट वॉज सो एंड टेस्टी जस्ट लाइक ही द डिलीशियस टेस्ट। इट वॉज सो डिलीशियस एंड टेस्टी। नेक्स्ट देखिए, ब्रूस वॉज ए क्यूट पियर। नो। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। नो। द रेन वॉज पोरिंग डाउन इन साइड द केव। नो। बारिश केव के अंदर नहीं गई थी। ही जम्प्ड इन टू ए रिवर टू एस्केप फ्रॉम द बी। वेर रिवर के लिए, रिवर में कूदा था। यस। द ब्रीज स्टंग ब्रूस बैडली। यस। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स बिलो। आपको फिल करना है। लिव्ड इन अ केव, केव में कौन रहता था? ब्रूस। His body was covered with dark brown hair. He walked out and soon his hair was dripping wet. He realized that they were about to sting him. He saw a little pond at a distance. Now match the opposite word. Lazy opposite word से आपको join करना है। Lazy का होगा active, pregnant का smelly, gentle का rough, freezing का hot, pushed का pull. नेक्स्ट देखिए, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। ब्रूस वाज ए लिटिल बेबी बियर। ही हैड रेदर स्लीप देन डू एनीथिंग एल्स। ही स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ। ही वांटेड टू गेट रेड द पीस। स्लोली ही क्रॉल्ड आउट एंड वेंट इनटू द फॉरेस्ट। Look for the meaning of the following words in the dictionary and use them in sentence of your own. आपको इन वर्ड का मीनिंग देखना है और उसका एक सेंटेंस बनाना है टू योर सेल्फ। योर एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 इज कम्प्लीट। डू दिस एक्सरसाइज ऑन योर नोटबुक।